पानीपत में महिलाएं असुरक्षित हैं। ये बात अब जग जाहिर होने लगी है। एक के बाद एक तीन महिलाओं के साथ गैंगरेप और एक महिला की हत्या के बाद पुलिस और प्रशासन तो सवालों के घेरे में है ही, लेकिन सरकार पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आज पानीपत पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी का जिक्र किया और सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। पानीपत जिले में हुई तीन महिलाओं के साथ गैंगरेप और एक महिला की हत्या पर दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार असफल है। पुलिस और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को उन्होंने गैंगरेप की हुई घिनौनी वारदात पर आड़े हाथों लिया। मैं भी जिस तरह की घिनौने अपराधों के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, इससे पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है और अपराधियों को पकड़ा तक नहीं जा रहा। इतना अपराधियों का हौसला बढ़ गया है कि वो ऐसा लगता है अपराधी खुले हौसले में घर से बाहर निकल के तनातन सड़कों पे घूम रहे हैं। जिस तरह से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, जो पानीपत का उदाहरण है, और ये जो कल वाली घटना उसकी जानकारी मुझे अभी मिली है, लेकिन इससे पहले वाली घटना वो तो ऐसी घटना थी कि पूरे देश के अंदर उस घटना का, और वो उसमें अभी तक जो है कोई पुलिस ने कार्रवाई कुछ करी नहीं ठोस, और एक नई घटना। तो ये मैं समझता हूँ कि पानीपत में क्या कर रही है पुलिस प्रशासन, यहाँ पर जो SP हैं वो क्या कर रहे हैं, और गृह मंत्री जी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? तो गृह मंत्री जी इसका नैतिकता का अपना जो है इस पर अपनी जिम्मेदारी लें, या यहाँ की जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है। पूरे हरियाणा में अपराध, आज हरियाणा देश में अपराध में नंबर एक बचा दिया है सरकार ने। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि 12 दिन बीत जाने के बाद भी हरियाणा सरकार की पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि हरियाणा में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। बता दें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के बिजेंद्र उर्फ बिल्लू कादियान के कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।